तो हेलो गाइस, स्वागत है राहुल फायरिंग में आपका। तो फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि लोडिंग किस प्रकार से होता है ऐसी फार्म का। तो अभी इधर माल उठना स्टार्ट हो गया है, तो आपको दिखाते हैं कि कैसा तराजू होता है और किस प्रकार से इसको तौलते हैं और कैसे कैसे गाड़ी आती है आपको दिखाते हैं। वैसे तो अभी छोटी गाड़ी आई है, बड़े गाड़ी जो 5 क्विंटल ले जाएगी, मतलब 5 टन ले जाएगी, वो अभी आ रही है। तो इधर से मुर्गियाँ पकड़ के ले जा रहे हैं बाहर और तराजू के पल्ले में डालेंगे, फिर वहाँ से लिफ्टर अपना माल उठा लेता है, क्योंकि एक बार तराजू में चला गया उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होती है। ये इधर लगा है झूला, आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, क्योंकि लाइट ज़्यादा है तो फिर मुर्गियाँ डिस्टर्ब होती हैं और जाली से कूद देती हैं तो फिर नुकसान हो जाता है। लिफ्टर का ही होता है, क्योंकि एक बार माल उड़ गया तो फिर फार्मर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ये अपने भाई लोग पकड़ रहे हैं माल, तो ये तराजू है इसमें डालेंगे। तेरा तेरा नाक कचर रहा है और ये ऊपर कांटा लगा है, झूला टाइप से बनाते हैं। और एक छोटा गाड़ी आया है अभी, इसके बाद 5 टन का एक और गाड़ी आएगा। तो ऐसे होता है लोडिंग, देख सकते हो लोडिंग हो रहा है। इधर कांटा लगा है ऊपर, आज देख सकते हो आप लोग, अभी 2 गाड़ी और आया है। ये गाड़ी एक 2 टन माल ले जाएगा, छोटा गाड़ी, और इधर है बड़ा गाड़ी, ये 5 टन माल ले जाएगा। अभी 7 टन माल उठना है। तो इतने रात को अभी 9 बजे स्टार्ट, 9:30 को स्टार्ट होगा माल डालना, रात के 12-1 बज जाएगा। तो ऐसा होता है भाई, लिफ्टिंग नाइट में ही होता है अक्सर, लिफ्टिंग हमेशा नाइट में होता है, और कभी कभी सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे ऐसा होता है लिफ्टिंग। तो गाइस, लिफ्टिंग करते वक्त हमेशा थोड़ा सा मतलब अंधेरा रहना चाहिए, ताकि मुर्गियाँ डिस्टर्ब ना हो। अगर अंधेरा नहीं रहेगा तो फिर मुर्गियाँ क्या है, जाली से कूद जाती है रोशनी देख के। तो फिर जब भी आप लिफ्टिंग करते हो तो फिर अंधेरा रखना, लाइट बंद कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो पे फिर से, और हमारा नया फार्म बनने वाला है, स्टार्ट होने वाला है बनना। तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है, किस किस नाप का बनता है आपको बताऊँगा, कि हमारा फार्म कैसे बन रहा है, कौन सा नाप जोक का है, सब बताऊँगा। तो बने रहे हमारे साथ राहुल फार्मिंग में, धन्यवाद।